हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज मैं इतिहास से प्राचीन भारतीय इतिहास लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं तो चलिए बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करें इतिहास भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला या उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भारत की संतान कहा गया है यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत आज हम प्राचीन भारत की चर्चा करेंगे प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है पहला धर्मग्रंथ दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य धर्मग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद है जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है वेद चार हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद एवं अथर्वेद सबसे पहले हम ऋग्वेद को देखेंगे ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है इसमें दस मंडल दस सौ अट्ठाईस सूक्त एवं दस हजार चार सौ बासठ ऋचाएँ हैं इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं इस वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है विश्वमित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है इसके नवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख है इसके आठवें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है चातुषवर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के दसवें मंडल में वर्णित पुरुष शुक्त है जिसके अनुसार वर्ण चार चार वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र तथा पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं जंघाओं एवं चरणों से उत्पन्न हैं। धर्मसूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थिति व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्य एवं विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है वामनावतार के तीन पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है ऋग्वेद में इंद्र के लिए ढाई तथा अग्नि के लिए 200 सौ ऋचाओं की रचना की गई है नोट है प्राचीन इतिहास के सायन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपत ब्राह्मण का स्थान है ईसा पूर्व एवं ईस्वी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है ईसा मसीह के जन्म के पहले की समय ईसा पूर्व बीसी अर्थात बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म पाँच ईसा पूर्व में एवं मृत्यु चार ईसा पूर्व में हुआ यानी ईसा मसीह के जन्म के पाँच वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं चार ईसा पूर्व मृत्यु हुआ ईसा मसीह के तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है एडी यानी एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीजस क्राइस्ट आगे बढ़ेंगे दूसरे पेज में अब हम यजुर्वेद को देखें सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहते हैं या एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है अगला है सामवेद या गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है इसके पाठकर्ता को उदराती कहते हैं इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है अगला है अथर्व ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद ठीक है अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण तंत्र मंत्र जादू टोना शाप वशीकरण आशीर्वाद स्तुति प्रायश्चित औषधि अनुसंधान विवाह प्रेम राजकर्म मातृभूमि महामात्म्य आदि विषयों विविध विषयों के संबंध में मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के विचारों विश्वासों अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है अथर्वेद को अथर्वेद को अथर्वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है आगे बढ़ेंगे इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है पुराणों की बात करें और संबंधित वंशों की तो पुराण में विष्णु पुराण मौर्य वंश से मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है नोट सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्वेद है वेदों को भली भांति समझने के लिए छह वेदांगों की रचना की गई यह है शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण निरक्ति तथा छंद भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है इसके रचयिता लोमहर्ष एवं इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं इनकी संख्या अठारह है जिनमें से केवल पांच मत्स्य वायु विष्णु ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है नोट पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्राणी संहिता से प्राप्त होती है जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है सतपद ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं या पंद्रह अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया कलहन द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगनी है जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनी है इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्यिन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है आगे बढ़े तीसरे पेज में कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है अब हम विदेशियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी को देखेंगे सबसे पहले यूनानी रोमन लेखकों को पहले हैं टेसियस ये ईरान के राजवैद थे भारत के संबंध में इनका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है।, है दूसरा है हेरोडेटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस अनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं चौथे हैं मेगास्निज यह सेल्युकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्युगिन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है पांचवे हैं डायमेकस या सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था इसका विवरण भी युग से संबंधित है छठे हैं डायनोसियस या मिश्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था सातवें हैं टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी आठवें हैं प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी इसमें भारतीय पशुओं पेड़ पौधों खनिज पदार्थों आदि का विवरण मिलता है नवे हैं पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है यह लेखक यह लेखक करीब अस्सी ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है अब हम चीनी लेखकों में देखेंगे पहले हैं फाहियान या चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त दित्य के दरबार में आया था इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है दूसरे हैं संयुगन यह 518 सौ ईस्वी में भारत आया और इसने अपने तीन वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की तीसरे है हैं हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हेनसांग 629 सौ ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग एक वर्ष की यात्रा के पश्चात सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा भारत में पंद्रह वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था इसका भ्रमण वितरान्त सी यू की नाम से प्रसिद्ध है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है इसने हर्षकालीन समाज धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है इसके अनुसार सिंध का राजा शुद्र था नोट हिंद के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे चौथा है इत सिंह ये सातवीं शताब्दी के अंत में भारत आया इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय का भारत का वर्णन किया है चौथे पेज में देखते हैं अरबी लेखकों के विषय में पहले है अलबरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीके हिंद जिसे भारत की खोज भी कहते हैं आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन त्यौहार खगोल विज्ञान कीमियों रीति रिवाजों तथा प्रथाओं सामाजिक जीवन भाव भारतल तथा मापन विधियों मूर्ति कला कानून मापन विज्ञान मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर अस्सी अध्यायों में विभाजित है इसमें राजपूत कालीन समाज धर्म रीति रिवाज राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है दूसरे हैं इब्न बतूता इसने अपनी अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वित्तान जिसे रिहला कहा जाता है चौदवी शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है तेरह सौ ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया चौथा है डी अन्य लेखक उसमें पहले हैं तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है दूसरे है मार्कोपोलो या तेरहवीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है आगे बढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारी 1400 सौ ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नासत्य जिन्हें अश्विनी कुमार भी कहा जाता है के नाम से मिलते हैं मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के पेस या विदिशा गड़ुर स्तंभ लेख से प्राप्त होता है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सहगोरा अभिलेख है सर्वप्रथम भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक बानगुप्त से प्राप्त होती है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है नोट अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है कश्मीरी नवपाषणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावाश यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है इसी से साहित्य को साहित्य में कषार्पण कहा गया है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है और एक मेड्यू पुद्दीचिर के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं सबसे पहले भारत के संबंध सुवर्ण भूमि, जो वर्तमान में वन म्यांमार के नाम से जाना जाता है मलाया जो स्वर्णदीप के नाम से जाना जाता था कंबोडिया जो कंबोज तथा जावा जो यवद्वीप से स्थापित हुए अब हम कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों को देखेंगे और उनको संबंधित शासक तो पहला है हाथीघु अभिलेख जिसे तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है इसके शासक थे कलिंगराज खारवेल दूसरा है जूनागढ़ अथवा गिरनार अभिलेख जिसके शासक हैं रुद्रा दामन तीसरा है नासिक अभिलेख जिसके शासक हैं गौतमी बलश्री चौथा है प्रयाग स्तंभ लेख जिसके शासक थे समुद्रगुप्त पांचवा है एहोल अभिलेख जो फुलशन द्वितीय इसके शासक थे अगला है मंदसौर अभिलेख जिसके शासक थे मालवा नरेश यशोवर्मन ग्वालियर अभिलेख के शासक थे प्रतिहार नरेश भोज भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख के शासक थे स्कंदगुप्त और देवपाड़ा अभिलेख जिसके शासक थे बंगाल के शासक विजय सेन अब हम पांचवें पेज में चलते हैं जिसमें हमें प्राग काल पढ़ना है जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धत नहीं किया उसे प्राग काल कहते हैं मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है आदि ऐतिहासिक काल काल के के मानव यानी होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से चालीस हजार वर्ष पूर्व हुआ पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया मनुष्य का सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कु था जिसका प्राप्ति स्थल अतिरम पक्कम था कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ प्रागैतिहासिक काल अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान बलुचिस्तान में अवस्थित है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी कृषि का प्रथम उदाहरण मेहड़गढ़ से प्राप्त हुआ है कोलडीवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन संस्कृति कलाकृति की खोज हुई थी भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फुटिक पत्थर के बने थे रॉबर्ट ब्रूसफुर्ड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अठारह ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की भारत के सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला अशम का श्वेताभ्रु गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाम्भ कवि है इनाम गांव ताम्र युग की सबसे बड़ी बस्ती थी इसका संबंध जौरवे संस्कृति से भी है भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिलता है नोट भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर मनुष्य की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया अब तीसरा है हमारा सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन सी फोर्टीन जैसी नवीन विश्लेषणात्मक पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल स्थल नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में है पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी, नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र है छठा पेज सिंधु सभ्यता या सैंधव का सभ्यता नगरीय सभ्यता थी सैंदव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल छह ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है ये है मोहनजोदड़ो हड़प्पा घनवारीवाला धोलावीरा राखीगढ़ी एवं कालीबंगन स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए लोथल तथा सुरकोट सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईटों के प्रयोग के साक्ष्य काली बंगन से प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधल सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत् स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नानकुंड ग्यारह दशमलव मीटर लंबा, सात दशमलव शून्य एक मीटर चौड़ा एवं दो दशमलव चार तीन मीटर गहरा है अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं से प्राप्त एक पर तीन मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है इसके चारों ओर हाथी गेंडा चीता एवं भैंसा विराजमान है थोड़ा इधर देखें सिंधु सभ्यता में विदेशी व्यापार आयतित वस्तु और किस प्रदेश में होता था तो तांबा जो था खेतड़ी बलुचिस्तान और ओमान प्रदेश में होता था आयात व्यापार चांदी का अफगानिस्तान और ईरान से होता था व्यापार सोना कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान से होता था टीन का अफगानिस्तान और ईरान से गोमेद सौराष्ट्र से लाजवर्द मिसोपोटामिया से और शीशा ईरान से आगे बढ़ते हैं मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है हड़प्पा की मोहरों में सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चानूदाड़ों में मिले हैं सिंधु सभ्यता की लिपि भाव-चित्रात्मक है यह लिपि दाई से बाई और लिखी जाती थी जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाई से बाई और, और दूसरी पंक्ति दूसरी जो है वो बाई से दाई और लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा तो घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूँ और जौत है सैंदावासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे रंगपुर एवं लोथल से चावल के धाने मिले हैं जिसमें धान की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं सुरकोटा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं तौल की इकाई संभवता 16 के अनुपात में थी सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए दो पहिया एवं चार पहिया बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे मिसापोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वनिक वर्गों के हाथों में था ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिले हैं सिंधु सभ्यता में मात्री देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी सातवें नंबर पेज पशुओं में कुबड़ वाला साढ़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था स्त्री मृण मूर्तियां जिसे मिट्टी की मूर्तियां कहते हैं अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मास्त सत्तात्मक था सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे मनोरंजन के लिए सैंदावासी मछली पकड़ना शिकार करना पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे कालीबंगन एकमात्र कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किलों से घिरा हुआ था कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़िया यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण मिले हैं पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी हड़प्पा में शवों को दफना जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान लोथल एवं कालीबंगा में युग्म मिली हैं। सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था अब हम सैंदल सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति का अध्ययन करेंगे सबसे पहला है हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे बसी हुई है इसके उत्खनन करता है दया राम एवं माधव स्वरूप पथ ये 1921 में हुई थी और ये वर्तमान में पाकिस्तान के मोन्ट गोमरी जिला में अवस्थित है दूसरा है मोहनजोदलो जो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है इसके उत्खनन करता है दास बनर्जी उन्नीस में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना ज़िला में अवस्थित है तीसरा है चानूदाड़ो सिंधु सभ्यता ये सिंधु नदी के किनारे है इसके उत्खनन करता गोपाल मजुमदार जो 1931 में इसका उत्खनन हुआ और ये वर्तमान में सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है चौथा है कालीबंगन ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है इसके उत्खनन करता बी लाल एवं बी के थापर हैं जो उन्नीस में इन्होंने किया था और यह राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है कोट डी जो कि सिंधु नदी के किनारे हैं इसके उत्खनन करता फजल अहमद हैं जिन्होंने उन्नीस में इसका उत्खनन कराया ये वर्तमान में सिद्ध प्रांत का खैरपुर स्थान है छठा है रनपुर जो मादर नदी के किनारे अवस्थित है इसके उत्खनन करता रंगनाथ राव है जिन्होंने उन्नीस सौ तिरपन चौवन में इसका उत्खनन कराया ये वर्तमान में गुजरात का काटियावाड़ जिला में है सातवा है रोपड़ जो सतलुज नदी के किनारे अवस्थित है इसके उत्खनन करता यगदत्त शर्मा है इन्होंने उन्नीस सौ तिरपन छप्पन में इसका उत्खनन करवाया जो वर्तमान में पंजाब का रोपड़ जिला में अवस्थित है आठवां है दोथल जो भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है इसके उत्खनन करता रंगनाथ राव है इन्होंने उन्नीस सौ पचपन बासठ में कराया और गुजरात का अहमदाबाद जो जिला है वहाँ यह स्थल वर्तमान में अवस्थित है नवा है आलमगीरपुर जो कि हिंड नदी के किनारे है और इसके उत्खनन करता यगद शर्मा है इन्होंने उन्नीस में इसका उत्खनन कराया यह उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में अवस्थित है दसवा है सुदकांगेटोर जो दाश नदी के किनारे है इसके उत्खनन करता है आर स्टाइल और जॉर्ज डेल इसका उत्खनन उन्नीस सौ सत्ताईस से लेकर उन्नीस सौ बासठ तक हुआ यह वर्तमान में पाकिस्तान के मकरान के समुद्र तट के किनारे हैं ग्यारहवा है, है बनमाली जो रंगोई नदी के किनारे अवस्थित है इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह विस्ट हैं इन्होंने उन्नीस सौ उन्हों चौहत्तर में इसकी खुदाई करवाई और ये वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिला में अवस्थित है बारहवा है धोली धोलावीरा जो रविंद्र सिंह विष्ट के द्वारा 1990-91 में कराया गया ये गुजरात के कच्छ जिला में अवस्थित है अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता तो वैदिक काल का विभाजन दो भागों ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है आर्यो द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई आर्यो द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी आर्यो की भाषा संस्कृत थी आठवें पेज पे बढ़ते हैं आर्यो के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन पांच भागों में बंटा गया है कुल ग्राम विश जन राष्ट्र ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाते थे जन का शासक राजन कहा जाता था अब हम दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा के नामों को देख लें पूर्व दिशा के उत्तर वैदिक शब्द प्राची जिसका राजा सम्राट कहलाता था पश्चिम दिशा का प्रतिची, जिसका राजा स्वराष्ट्र कहलाता था उत्तर दिशा का उदिची जिसका राजा विराट कहलाता था मध्य दिशा का राजा कहलाता था और दक्षिण दिशा का भोज कहलाता था राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे सूत रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे इनकी संख्या राजा सहित बारह हुआ करती थी पुरुष दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी सभा श्रेष्ठ एवं समृ्र्त लोगों की संस्था थी जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था युद्ध में कबीलों का नेतृत्व राजा करता था युद्ध के लिए गविष्टी शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है गायों की खोज दसराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के सातवें मंडल में है यह पुरुषनी या रावी नदी के तट पर सुदास एवं दस जनों के बीच लड़ा गया था जिसमें सुदास विजयी हुआ समाज वर्णों में विभक्त है ये वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था ऋग्वेद के के मंडल में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से क्षत्रिय उसकी भुजाओं से वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न है उपनिषदों की कुल संख्या 108 महापुराणों की संख्या 18 और वेदांगों की संख्या 6 है आर्यों का समाज था। समाज था। की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी जिसका मुखिया पिता होता था जिसे कुलुप कहा जाता था स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई अर्थात देवर से विवाह कर सकती थी स्त्रियाँ शिक्षा ग्रहण करती थीं ऋग्वेद में लोपा मुद्रा घोषा सिक्ता, आपला और विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था या वनस्पति से बनाया जाता था आर्य मुख्यतः तीन प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे वास अधिवास और उष्नीस अंदर पहनने वाले कपड़ों को निवी कहा जाता था आर्यों का मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत रथ दौड़ घुड़ दौड़ एवं ध्रुत क्रीड़ा आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था गाय को अघन्या अर्थात न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे अब हम प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तकों को देखेंगे चरवाग जो थे वो उन्होंने चरवाग दर्शन का प्रतिपादन किया योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल न्याय दर्शन जो है वो गौतम ने उनका प्रवर्तक है मीमांसा जो है वो जैमनी उसके प्रवर्तक है उत्तर मीमांसा मीमांशा के द्वारा और वैशेषिक जो दर्शन है वो कणाद या उलुक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है आगे चलते हैं पेज पर आर्यो द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस कहा जाता था तांबे को लोहित अयस कहा जाता है व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेकनॉट या सूदखोर कहा जाता था मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी ऋग्वेद गं, में गंगा का एक बार और यमुना का तीन बार उल्लेख हुआ है और सिंधु का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है अब हम ऋग्वैदिक नदियों को देख लें और उनके प्राचीन नामों को देख लें प्राचीन कालीन नाम है कुभ जिसका आधुनिक नाम कुर्रम कुंभा काबुल वितस्ता झेलम अस्किनी चिनाव पुरुषनी रावी सतुद्री शतलज विपाशा ब्यास सदानीरा गंडक द्विजदाती घग्गर गोमती गोमल स्वस्तु स्वस्तुस्वाद नदियाँ हैं आगे चलते हैं उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था उत्तर वैदिक काल में व्यवस्थाएं की बजाय जन्म पर निर्धारित होने लगे थे उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं लेकिन इस काल में किसी खास भार आकृति और मूल के सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं है अब हम ऋग्वेदिक कालीन देवताओं को देखेंगे और उनका संबंध देखेंगे सबसे पहले इंद्र जो युद्ध के नेता और वर्षा के देवता माने गए हैं अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ माने जाते थे वरुण पृथ्वी और सूर्य के निर्माता समुद्र का देवता विश्व का नियामक एवं शासक सत्य का प्रतीक ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता माने जाते हैं घाव आकाश का देवता है जो सबसे प्राचीन है सोम वनस्पति देवता उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता पूषण पशुओं के देवता विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता मरुत आंधी तूफान का देवता माने जाते हैं आगे बढ़ते हैं सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है इसके अनुसार मूल तत्व पच्चीस है जिसमें प्रकृति पहला तत्व है सत्यमेव जैते मुंडकोपनिषद से लिया गया है इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता से को संबोधित है जिसका संबंध ऋग्वेद से है उत्तर वैदिक काल में कौशंबी नगर में प्रथम बार पकी ईटों का प्रयोग किया गया है महाकाव्य दो है महाभारत एवं रामायण महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है या विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ अब हम महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे बुद्ध के जन्म के पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष सोलह जनपदों में बटा हुआ था इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगूतर निकाय से मिलती है महाजनपद उनकी राजधानी और वर्तमान आधुनिक स्थान को देखेंगे सबसे पहले अंग जिसकी राजधानी है चंपा ये भागलपुर मुंगेर वाला क्षेत्र है जो बिहार में पड़ता है दूसरा है मगध जो गिरिब्रज या राजगिरी के नाम से जाना जाता है यह पटना और गया यानी बिहार में है तीसरा है काशी जो कि राजधानी इसकी थी वाराणसी और ये आधुनिक में वाराणसी या आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है चौथा है वत्स जो जिसकी राजधानी कौशंबी थी ये इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है पांचवा है वज्जी जिसे वैशा जिसकी राजधानी वैशाली विदेह या मिथिला थी जिसका वर्तमान क्षेत्र मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है छठा है कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती है जो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है सातवां है अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी जो वर्तमान में वालवा या मध्य प्रदेश में पड़ता है आठवां है मल जिसकी राजधानी कुशावती ये वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है नवा है पांचाल जिसकी राजधानी अहिष्त या काम्पल्य थी इसकी इसका जो वर्तमान क्षेत्र है वो बरेली बदायूं और फारूखाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है दसवां है चेदी जिसकी राजधानी थी शक्तमती जिसका वर्तमान क्षेत्र बंदेलखंड के आसपास का उत्तर प्रदेश में है ग्यारहवा है कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी जो आधुनिक दिल्ली मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र इसमें आते थे बारवा है मत्स्य जिसकी राजधानी विराट नगर है ये जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है तेरवा है कंबोज जिसकी राजधानी है हाटक यह राजौरी एवं हाजरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है चौदहवा है सूरसेन जिसकी राजधानी है मथुरा और वर्तमान क्षेत्र भी मथुरा उत्तर प्रदेश के में है पंद्रवा है अशमक जिसकी राजधानी थी पोटली या पोतन ये गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद माना जाता है और सोलवा है गंधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला जो वर्तमान में रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान के क्षेत्र में देखा जाता है अब छठे अध्याय में चलते हैं हम जो है जैन धर्म जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे जैन धर्म के तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे इन्होंने तीस वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना सदा सत्य बोलना चोरी न करना संपत्ति न रखना महावीर स्वामी जैन धर्म के चौबीसवें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर का जन्म 540 सौ चालीस ईसापुर में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था इनके पिता सिद्धार्थ ग्यात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चीटक की बहन थी महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनियोज्या प्रदर्शनी था महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था इन्होंने तीस वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने भा, बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था बारह वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जम्भिका के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ इसी समय से ये महावीर जीन यानी विजेता अहर्त यानी पूज्य और निग्रंथ अर्थात बंधनहीन कहलाए महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्थात अर्धमाग्धी भाषा में दिया महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रदर्शनी के पति जामिल बने प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दादी वाहन की पुत्री चंपा थी महावीर ने अपने शिष्यों को ग्यारह गणधरों में विभाजित किया है प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह को देखेंगे सबसे पहले हम उनके नाम देखेंगे और उनके प्रतीक चिन्ह तो ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर थे इनका प्रतीक चिन्ह सार था अजीतनाथ जो कि द्वितीय तीर्थंकर थे इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था संभवनाथ जो कि तृतीय तीर्थंकर थे इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था संपाश्वनाथ सप्तम तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था शांतिनाथ जो कि सोलहवें तीर्थंकर थे इनका प्रतीक चिन्ह हिरण था नामीनाथ जो कि इक्कीसवें तीर्थंकर थे इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था अरिष्टनेमी जो कि बाईसवें तीर्थंकर थे इनका प्रतीक चिन्ह संघ था पार्श्वनाथ तेईसवे तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था महावीर चौबीसवें तीर्थंकर हुए जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था नोट जो दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और एवं अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना गया है अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 11 में महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा जो कि अच्छा आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या प्रमुख उपदेशक हुआ जैन संगति को देखें तो प्रथम जैन संगति 300 सौ पूर्व में पाटलिपुत्र में और इसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र के द्वारा की गई द्वितीय जैन संगति जो है वो छठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी लगभग 300 सौ पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद भेद हो गया जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर, अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले थे कहलाए जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है त्रिरत्न के अनुशीलन के में निम्न पांच महाव्रतों का पालन अनिवार्य है अहिंसा सत्यवचन अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम और जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है जैन धर्म राजा उदयन मंदराजा चंदगुप्त मौर्य कलिंग नरेश खारवेल राष्ट्रकूत राजा अमोघवर्ष चंदेल शासक थे मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में दसवीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ था प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्र द्वारा रचित कल्प सूत्र में है बहत्तर वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु चार सौ अड़सठ ईसापुर जिसे निर्माण भी कहते हैं ईसापुर में बिहार राज्य के पावपुरी राजगीर में हो गई मल राजा सुस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ अब हमारा सातवां अध्याय है बौद्ध धर्म बौद बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध का जन्म पाँच सौ तिरसठ में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के सातवें दिन ही हो गई थी इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का विवाह सोलह वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था इनके पुत्र का नाम राहुल था सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें चार दृश्यों का क्रमश देखा पहला बूढ़ा व्यक्ति दूसरा बीमार व्यक्ति तीसरा शव और एक सन्यासी जिसने इनकी जीवन को बदल दिया अब हम बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक को देखेंगे पहली घटना जो है वह है जन्म उसे हम कमल एवं साड़ के प्रतीक चिन्ह से जानते हैं गृहत्याग को घोड़े से ज्ञान जो है वो पीपल या वृक्ष से निर्वाण को पद चिन्ह से और मृत्यु जो है वो स्तूप से अंकित करते हैं अब हम पेज नंबर अट्ठा बारह में प्रवेश करते हैं सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने उनतीस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंड फदवीय महानामा अस्गी नामक पांच साधक मिले बिना अन्न जल ग्रहण किए छह वर्ष की कठिन तपस्या के बाद पैंतीस वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना अर्थात फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और यह स्थान बोध गया कहलाया बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ अर्थात ऋषिपतनम में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की राजधानी श्रावस्ती में दिए इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसारेनजी तथा उदयन थे बुद्ध की मृत्यु अस्सी वर्ष की अवस्था में चार ईसा पूर्व में कुशीनारा देवियरिया उत्तर प्रदेश में चंद चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के कारण हुई जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है मल्लो ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को आठ भागों में बांटकर उन पर आठ स्तूपों का निर्माण कराया गया बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक सूत्र पिटक व अभिधम पिटक से प्राप्त होती है तीनों पिटकों की भाषा पाली है बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मान्यता है तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है विश्व दुखों से भरा हुआ है यह का जो सिद्धांत है बुद्ध ने उपनिषद से लिया है बुद्ध के अनुयायियों को दो भागों में विभाजित करते हैं पहला भिक्षुक दूसरा उपासक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसे भिक्षुक कहा गया और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाले के लिए न्यूनतम आयु सीमा पंद्रह वर्ष थी बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा गया है बौद्ध धर्म के तीन रत्न बुद्ध धर्म और संघ थे अब हम बौद्ध संगतियों को देखेंगे प्रथम बौद्ध संगति चार सौ तिरासी ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और ये शत्रु के शासनकाल में संपादित हुई द्वितीय बौद्ध तीन सौ तिरासी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में घटित हुई तृतीय बौद्ध संगति दो सौ पचपन ईसापुर में पाटलिपुत्र में हुई मोगली पुत्र ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसके शासक थे अशोक और चतुर्थ बौद्ध संगति ईसवी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र अश्वघोष की अध्यक्षता में इसके अध्यक्ष वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे कनिष्क की शासनकाल में हुई आगे बढ़ते हैं पेज नंबर तेरह चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है इनका महत्व इसलिए भी है कि बुद्ध पूर्णिमा का दिन ही बुद्ध का जन्म ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्माण की प्राप्ति हुई बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे हैं दुख 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 समुदाय निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने आष्टांगिक मार्ग की बात कही है ये साधन है सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक वाणी सम्यक कर्मांत सम्यक सम्यक आजीव सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि बुद्ध के अनुसार आष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की तृष्णा नष्ट हो जाती है तथा उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है जिसका अर्थ दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना है बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति की सरल बनाने के लिए निम्न दस शील के नियमों पर बल दिया है अहिंसा सत्य आस्ते जिसे चोरी ना करना अपरिग्रह अर्थात किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना मत सेवन न करना असमय भोजन ना करना सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना धन संचय ना करना स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना है गृहस्थों के लिए केवल पांच शील नियम और भिक्षुकों के लिए दस शील नियम मानने अनिवार्य हैं बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया है अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है जातक कथाएं प्रदर्शित करते हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य में भी हो सकता है और पशुओं में भी हो सकता है बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया किंतु इसके उपरांत मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा शैली के अंतर्गत बनी थी तिब्बत भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिन पांच ने किया इनका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से था इनकी एक फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है अब हम आठवें अध्याय में देखेंगे शैव धर्म भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में मिलता है ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है अथर्वेद में शिव को शिव को भाव सर्व पशुपति एवं भूपति कहा गया है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैतरीय अरण्यक में मिलता है वामन पुराण में शिव संप्रदाय की संख्या चार बताई गई है ये है पाशुपत कापालिक कालामुख और लिंगायत पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है जिसके संस्थापक लकुलिष्ट थे जिन्होंने भगवान जिन्हें भगवान शिव के अठारह अवतारों में से एक माना जाता है पेज नंबर 14 पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी को पंचार्थी कहा गया है इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है श्रीधर श्रीकर पंडित एक विज्ञात पाशुपत आचार्य थे कुछ संप्रदाय हैं और उनके संस्थापकों को देख लें आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मकलीपीत घोषाल घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक है पूर्ण कश्यप या संप्रदाय के संस्थापक है आचार्य अजीत भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक है पकुत कच्चायन जो भौतिक दर्शन के हैं और अनिश्चय वाली संप्रदाय के संस्थापक हैं संजय बैठली पुत्र आगे बढ़ते हैं कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है इस संप्रदाय के लोग नरकपाल में ही भोजन नरकपाल में ही भोजन जल और सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित थी इन्हें जंगम भी कहा जाता है जाता था इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की पूजा उपासना करते थे बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है इस संप्रदाय को वीर शैव वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है दसवीं शताब्दी में मत्स्यन्द्र ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ दक्षिण भारत में सैव धर्म चालुक्य राष्ट्रकूट पल्लव और चोलों के समय काफी लोकप्रिय रहा पल्लव काल में सैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों के द्वारा किया गया नयनार संतों की संख्या तिरसठ बताई गई है जिसमें अप्यार तिरुज्ञान संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि का नाम उल्लेखनीय है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया जिसे वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है कुशाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का अंकन एक साथ प्राप्त होता है आगे बढ़ते हैं नवे अध्याय पे जो है वैष्णव धर्म वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है जिसका विकास भगवत धर्म से हुआ नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे जो कि वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगीरस के शिष्य के रूप में हुआ विष्णु के दस अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है दस अवतार इस प्रकार थे मत्स्य कुर्मु बराह नरसिंह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध एवं कल्कि गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था वैष्णव धर्म में ईश्वर की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है अब हम कुछ प्रमुख संप्रदाय और उनके मत एवं आचार्यों के बारे में पढ़ेंगे वैष्णव संप्रदाय जिसे विशिष्टा द्वैत मत कहा जाता है इसके आचार्य थे रामानुज ब्रह्म संप्रदाय जिसे द्वैत मत कहा जाता है जिसके आचार्य थे आनंद तीर्थ रुद्र संप्रदाय जिसका मत जो है वो शुद्धा द्वैतवाद कहलाता है और इसके आचार्य वल्लभाचार्य थे सनक संप्रदाय जिसे द्वैता द्वैत संप्रदाय कहा जा मत कहा जाता है जिसके आचार्य थे निम्बकार अगला है बरकरी संप्रदाय जिसके संस्थापक नामदेव थे श्री वैष्णव संप्रदाय जो है उसके संस्थापक रामानुज थे और इसकी पुस्तक ब्रह्मसूत्र है परम तीर्थ परमार्थ जो है इसके संस्थापक हैं संप्रदाय के रामदास जिसकी पुस्तक है दासबोध प्रमुख संप्रदाय रामभक्त जो है वो उसके संस्थापक है रामानंद और इसकी पुस्तक है अध्यात्म रामायण नोट अंकोरवाट का मंदिर कम्बोडिया जो कंबोज में है के राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने 1113 से 1150 ईस्वी में बनवाया इस मंदिर में लगभग दस दशमलव पाँच फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई है अब हम आगे बढ़ते हैं 15वें पेज नंबर पे और हमारा दसवा अध्याय है इस्लाम धर्म इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे हजरत मोहम्मद साहब का जन्म पाँच सौ सत्तर ईस्वी में मक्का में हुआ था हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था हजरत मोहम्मद साहब को छः सौ दस ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई चौबीस सितम्बर छः सौ बाईस ईस्वी को पैंगम्बन ने मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है मोहम्मद की शादी पच्चीस वर्ष की अवस्था में खादिजा नामक विधवा के साथ हुई मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन था देवदूत जिब्राइल गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की कुरान कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून छः सौ ईस्वी को हुई इसे उन्हें मदीना में दफनाया गया मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लामी सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब की कथनों एवं कार्यों का वर्णन है शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं और उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं अली मोहम्मद साहब के दामाद थे अली की सन छह सौ ईस्वी में हत्या कर दी गई अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया पैगम्बर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए इस्लाम जगत में खलीफा पद उन्नीस ईस्वी तक रहा उन्नीस ईस्वी में से तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चित्र लिखा है मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद इद ए उल नवीन पर्व मनाया जाता है भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ 712 सौ ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना नोट नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है अगला अध्याय है हमारा ईसाई धर्म ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह ईसाई धर्म का मुख्य ग्रंथ बाइबल ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बेथलहम नामक स्थान पर हुआ ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है ईसा ने अपने जीवन के प्रथम तीस वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलहम के निकट नाजरस में बिताए ईसा मसीह के दो शिष्य एंड्रूस और पीटर थे ईसा मसीह को सूली पर रोमन रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने चढ़ाया ईसा मसीह को 33 ईसवी में सूली पर चढ़ाया गया फारसी धर्म में फारसी धर्म के पैगंबर ज़रथुष्ट ईरानी थे उनकी शिक्षाओं का संकलन जेद अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है जो पारसियों के धार्मिक ग्रंथ है इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सदविचार सदवचन तथा सद्कार्य इनके अनुयाई एक ईश्वर अहुर को मानते हैं इस धर्म के अनुयायी को अग्नि पूजक भी कहा जाता है अब हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 16 में ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं वे हैं ईश्वर पिता ईश्वर पुत्र ईश्वर पवित्र आत्मा नोट बारहवीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में सबसे अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुआ वास्तुकला की यह शैली गौतिक शैली के नाम से जानी जाती है इस वस्तु कलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है हमारा अगला अध्याय है बारवा मगध राज्य का उत्कर्ष मगध के सबसे प्राचीन वंश का नाम बृहदत्त वंश का संस्थापक वृद्धत था इसकी राजधानी ग्रीब्रिज ग्रीब्रिज राजगिरी थी जरासंग संघ का पुत्र था हर एक वंश के संस्थापक बिम्बिसार मगध की गद्दी पर पाँच ईसा पूर्व में बैठा था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया था बिम्बिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसका अपनी राजधानी बनाई बिम्बिसार ने मगध पर करीब बावन वर्षों तक शासन किया महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने राजवैद जीवक को भेजा अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिम्बिसार ने जीवक को और उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए अपने साम्राज्य का विस्तार किया उसने कौशल नरेश प्रसेंदित की बहन महाकौशला से वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से और मध्र देश यानी आधुनिक पंजाब की राजकुमारी छेमा से शादी की बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजाज शत्रु ने कर दी और वो चार सौ तिरानबे ईस्व पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा अजाज शत्रु का उपनाम कुड़िक था अजातशत्रु शत्रु बत्तीस वर्ष की तक मगध पर शासन किया अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार या वर्षकार था इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन ने चार सौ ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा उदयन के ने पाटलीग्राम की स्थापना की उदयन भी जैन धर्म का न्यायी था हर एक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 सौ बारह ईस्वी में अपद कर मगत का, मगत पर आ, शिशुनाग वंश की स्थापना की शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था नंदवंश का संस्थापक महा पद्मानंद था नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था या सिकंदर का समकालीन था इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की नींव रखी अगला अध्याय है सिकंदर सिकंदर का जन्म तीन ईसा पूर्व में हुआ सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था आगे चलते हैं पेज नंबर सत्रह फिलिप तीन सौ उनसठ ईस्वी में मखदुनिया का शासक बना इसकी हत्या तीन सौ उनतीस ईस्वी में कर दी गई सिकंदर अरस्तु का शिष्य था सिकंदर ने भारत विजय का अभियान तीन सौ छब्बीस में प्रारंभ किया सिकंदर का सेनापति सेल्युकस निकेटर था सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा जिसे हाई डेस्पीच के युद्ध के या झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 सौ पूर्व में भारत से लौटा सिकंदर की मृत्यु तीन सौ पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस सिकंदर का प्रिय घोड़ा बाऊ केफला था इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाऊ केफला नगर नामक नगर बसाया अगला अध्याय है मौर्य साम्राज्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है जिसकी पहचान विलियम जॉन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है विशाखा दत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल आशय निम्न कुल से उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया है घरानंद को हराने में चाणक्य अर्थात कौटिल्य अर्थात

सॉरी अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार चार प्रांत काबुल कंधार हिरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली सैलिकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था मेघसनिज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका थी है मेघास्निज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है उन्होंने उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोटों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं वे लगातार दो रात एक ही कमरे में नहीं सोते पाटलिपुत्र के बारे में पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा था जो जिसमें 570 सौ सत्तर बुर्ज और चौंसठ द्वार हैं दो और तीन मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे बने हैं राजा का महल भी काठ का बना है जिसमें पत्थर की नकाशी से अलंकृत किया गया है यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे का घेरा है आगे बढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्युकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है प्रोटाक के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्युकस को 500 हाथी उपहार दिए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु दो सौ अंठानवे ईसापुर पूर्व में श्रावण बेला में उपवास द्वारा हुई आगे बढ़ते हैं पेज नंबर एटीन बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो कि दो सौ अंठानवे ईसापुर में मगध की गद्दी पर बैठा अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है स्ट्रबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमिकस नामक राजदूत भेजा इसे ही मेगा का उत्तराधिकारी माना जाता है जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए दो विद्रोहों का वर्णन है इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुशीम और बाद में अशोक को भेजा एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को सोलह राज्यों का विजेता बताया है आगे बढ़ते हैं अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो कि दो ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था मास्कित एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है अशोक ने अपने अभिषेक के आठवें वर्ष लगभग दो ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोस्ती पर अधिकार कर लिया प्लिनिंग का कथन है कि मिश्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डायनोसियस नामक एक राजदूत भेजा अशोक के दरबार में उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में चार गुफाओं का निर्माण कराया जिसका नाम है कर्ज चुपार सुदामा तथा विश्व झोपड़ी नोट अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका भेजा भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी खरोष्ठी ग्रीक और आर्माइक लिपि का प्रयोग हुआ है ग्रीक एवं आर्माइक लिपि का अभिलेख अब अफगानिस्तान में खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में एवं शेष भारत में से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं अशोक के अभिलेखों को तीन भागों में बांटा जा सकता है शिलालेख स्तंभलेख और गुहालेख अशोक के शिलालेख की खोज सत्रह में पाद्रेटी फैंथलेर फेंथलर ने की थी इसकी संख्या चौदह है अशोक के अभिलेख पढ़ने में पहली सफलता अठारह में जेम्स को हुई अशोक के प्रमुख शिलालेख उसमें शिलालेख इसमें पशु बलि की निंदा की गई है द्वितीय शिलालेख इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु को चिकित्स दोनों की चिकित्सीय व्यवस्था का उल्लेख किया है आगे बढ़ते है पेज नंबर 19। तीसरे शिलालेख में अशोक ने इसमें राजकीय अधिकारियों को यह उपदेश दिया गया कि वे हर पाँचवें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएँ इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है चौथे शिलालेख इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धमघोष का उल्लेख घोषणा की गई है पाँचवें शिलालेख इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है छठे शिलालेख इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है सातवें एवं आठवें शिलालेख इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है नौवें शिलालेख इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है दसवें शिलालेख इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे शिलालेख की, की शिलालेख इसमें तेरहवें शिलालेख इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की, की बात कही गई है इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है चौदहवें शिलालेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या सात है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है या छह अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशंबी में स्थित था इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया दूसरा दिल्ली टोपरा यह स्तंभ लेख फिरोजशाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया तीसरा है दिल्ली मेरठ यह पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख शाह द्वारा दिल्ली लाया गया रामपुरवा यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है इसकी खोज अठारह में कार्लायल ने की पांचवा स्तंभ लेख लौरिया अरेराज यह चंपारण बिहार में है छठा स्तंभ लेख लौरिया नंदनगढ़ यह चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है कौशंबी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख दई है इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई अशोक का सातवां स्तंभ लेख सबसे लंबा है प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं अशोक का सारे कूना या कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में से प्राप्त हुआ है साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महामार भी कहा जाता है इसकी संख्या अठारह थी अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था अब मौर्य प्रांत और उनकी राजधानी को देखेंगे उत्तरा की राजधानी तक्षशिला अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी कलिंग राष्ट्र प्रांत की राजधानी तोसली दक्षिणा प्रांत की राजधानी सुवर्णागिरी और प्राशी या पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी पेज नंबर बीस अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या पाँच थी प्रांतों को चक्र कहा जाता था प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसके मुखिया ग्रामिक कहलाता था प्रशासन में सबसे छोटा गोप था जो दस ग्रामों का शासन संभालता था मेगा के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो छह समितियों में विभाजित था प्रत्येक समिति में पांच सदस्य होते थे बिक्री कर के रूप में मूल्य का दसवां भाग वसूल किया जाता था इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था मेगास्निक्स के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था अब हम अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ अर्थात मंत्री पदों को देखते हैं पहला है मंत्री जो प्रधानमंत्री होते थे दूसरा है पुरोहित जो धर्म और दान विभाग का प्रधान होता था तीसरा है सेनापति जो सैन्य विभाग का प्रधान होता था चौथा युवराज जो राजपुत्र होता था पांचवा दोवारिक जो राजकीय द्वार का रक्षक होता था छठा है अंतरवैदिक अंतरपुर का अध्यक्ष होता था सातवा है समाहर्ता जो आय का संग्रह करता था आठवा है सन्निधाता जो राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था नवा है प्रशासता जो कारागार का अध्यक्ष होते थे दसवा है प्रदेशी जो कमिश्नर होते थे ग्यारहवा है पौर जो नगर का कोतवाल होते थे बारहवा है व्यवहारिक जो प्रमुख न्यायाधीशों को कहा जाता था तेरहवा है नायक जो नगर रक्षा के अध्यक्ष होते थे चौदहवा है कर्मांतिक उद्योगों और कारखानों के अध्यक्ष होते थे पंद्रवा है मंत्रिपरिषद जो अध्यक्ष होते थे सोलवा है दंडपाल जो सेना के सामान एकत्रित करने वाले होते थे सत्रवा है दुर्गपाल जो दुर्ग के रक्षक होते थे अठारहवाँ है अंतपाल जो सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक होते थे आगे चलते हैं जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग पचास हजार अश्वरोही सैनिक नौ हजार हाथी और आठ हजार व्रत थे प्लूटार्क या जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से तीन गुनी अधिक सेना संख्या में अर्थात साठ हजार आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व तो करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था के के अनुसार अनुसार सेना का रख पांच सदस्य समितियां करती थी प्रशासन गुप्तचर विभाग महामत्म्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा जाता था तथा तो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था प्रशासनिक समिति और उसके कार्य प्रथम जो समिति है वो है उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण करना द्वितीय समिति विदेशियों के देखरेख करने का कार्य करती थी तृतीय समिति जन मरण का विवरण रखने का कार्य करती थी चतुर्थ समिति व्यापार एवं वाणिज्य का देखभाल करती थी पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी छठी समिति बिक्री कर वसूल करती थी आगे बढ़ते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने का कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था बिना वर्षा के से अच्छी खेती होने वाली भूमि को अधैव मातृक कहा जाता था सैन्य समिति और उसके कार्य ये कुल छः है पहली समिति है जल सेना की व्यवस्था करने का कार्य करती थी द्वितीय समिति जो है वो यातायात व रसद की व्यवस्था करती थी तृतीय समिति जो है वो पैदल सैनिकों की देखरेख चतुर्थ समिति अश्वारोहियों की सेना की देखरेख पांचवी समिति गज सेना की देखरेख और छठी समिति रथ सेना की देखरेख करती थी अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 21 पे मेघास्ट ने भारतीय समाज को सात वर्गों में विभाजित किया है दार्शनिक किसान अहिर कारीगर सैनिक निरीक्षक एवं सभासद स्वतंत्र वैश्यवृत्ति अपनाने वाली महिला रूप जीवा कहलाती थी नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी मौर्य शासन एक वर्षों तक रहा मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त था जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने एक ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर सुंग वंश की नींव डाली अब हमारा अगला अध्याय है ब्राह्मण साम्राज्य पुष्यमित्र सुंग जिसने मगध पर सुंग वंश की नींव रखी ब्राह्मण जाति का था सुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र सुंग ने पराजित किया पुष्यमित्र सुंग ने दो बार अश्वमेघ यज्ञ किया इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेघ यज्ञ कराया भरहुत स्तूप का निर्माण पुषोहित्र सु ने करवाया सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था इसकी हत्या तिहत्तर ईसा पूर्व में वसुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर की की। की 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 वंश की स्थापना की वंश की अंतिम राजा सुशर्मा हुआ शिमुख ने साठ ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या की और सातवाहन वंश की स्थापना की सातवाहन यानी आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है सातवाहन वंश के प्रमुख शासक सतकर्णी वशिष्ठी पुत्र, पुत्र पुलवामी और यज्ञश्री सातकर्णी थे सातकर्णी ने दो अश्वमेध तथा एक यज्ञ किया सातवाहन शासकों के समय एक प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाद्य थे हाल ने गाथा शप्तशतक तथा गुणाद्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की सातवाहन शासकों ने चांदी तांबे शीशे पोटीन एवं काश्यों की मुद्राओं का प्रचलन किया ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया सातवाहनों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी सातवाहनों का समाज मातृ सत्तात्मक था सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां कारले का चैत्य अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का, का विकास था सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे नोट सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया अगला जो हमारा अध्याय है वो है भारत के यवन राज्य भारत पर यवन आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंदू यूनानी उसके बाद शक उसके बाद पहलव और तत्पश्चात कुषाण सेलुकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटीओकस प्रथम ने अक्षुण बनाए रखा एंटीओकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया बैक्टीरिया पे डिओडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया डिओडोट्स द्वितीय यूथीडेमस डेमिट्रियस मिनांडर यूकेटाइडस एंटीआल्कीडस तथा तो हार्मिक्स भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमिट्रियस ने किया इसने 190 सौ ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया इसके शाक इसने शल को अपनी राजधानी बनाई इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी कहा जाता है हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मीनांडर हुआ इसकी राजधानी शाकल श्यालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी मीनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली मीनाडर ने प्रश्न मीनांडर के प्रश्न एवं नागार्जुन द्वारा दिए गए उत्तर को एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है जिसका नाम मिलिंद पानु अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिन्होंने जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये सिक्के किन राजाओं के हैं भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलोनिस्टिक आर्ट कहा जाता है भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है अगला अध्याय है शक यूनानियों के बाद शक आए शकों की पांच शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी पहली शाखा ने अफगानिस्तान दूसरी शाखा ने पंजाब तीसरी शाखा ने मथुरा और चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत और पश्चिमी शाखा ने पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया प्रथम शक राजा मो था शक मूलता मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए अंठावन ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने शकों को पराजित करके उनको बाहर खदेड़ा और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की शकों के विजय के उपलक्ष्य में अंठावन ईसा पूर्व में एक नया संबद्ध विक्रम संबद्ध के नाम से प्रारंभ हुआ इसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में चौदह पहुंच गई गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था शको की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत के प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अर्से तक शासन किया लगभग चार शताब्दी तक गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए शकू का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था जिसका शासन गुजरात के एक बड़े भाग पर था इसने की अर्धशुष्क सुदर्शन झील जो मुरियो के द्वारा निर्मित थी उसका जीर्णोद्धार करवाया रुद्राज संस्कृत का बड़ा प्रेमी था उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे लंबा गिरनार अभिलेख जारी किया इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे बाद में शक राजा अपने आप को छत्रप कहते थे अगला अध्याय है हमारा कुशान पहलव के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे यूची नामक एक कबीला पाँच कुलों में बट गया इन्हीं में से एक कुल थे कुषाण कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिश था इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी कुशानों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी कनिष्क ने अठहत्तर ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है अगला पेज है हमारा पेज नंबर तेईस बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वधसुमित्र की अध्यक्षता में हुई कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था आरंभिक कुशान शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का प्रख्यात विद्वान चरक था जिसने चरक संहिता की रचना की महाविभाष सूत्र के रचनाका रचनाकार वसुमित्र हैं इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्ध धर्म बौद्धों का रामायण यानी बुद्ध चरित की रचना की वसुमित्र पार्श्व नागार्जुन महाचेत और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था है कनिष्क की मृत्यु एक ईस्वी में हो गई कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुशाण थे नोट रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था अगला अध्याय है हमारा गुप्त साम्राज्य गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशंबी में हुआ गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 सौ ईस्वी था श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोचक 280 से 320 सौ ईस्वी हुआ गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था या 320 सौ ईस्वी में गद्दी पर बैठा इसने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया इसने महाराजराज की उपाधि धारण की गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो तीन ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा इसने आर्यव्रत के नौ शासकों और दक्षिणावर्त के बारह शासकों को पराजित किया इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था समुद्रगुप्त ने अश्वेधकर्ता की उपाधि धारण की समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की जो इसे कविराज भी कहा जाता है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो तीन सौ ईस्वी में गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए चंदगुप्त द्वितीय के अधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुआ जो 415 सौ ईस्वी से चार तक रहा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त चार से चार ईस्वी हुआ स्कंदगुप्त ने गिरदार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हनों के आक्रमण शुरू हो गए अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था आगे बढ़ते हैं पेज नंबर चौबीस पे गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था इसकी दूसरी इकाई भुक्ति थी जिसके शासक उपरिक कहलाते थे भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंड पाशिक कहलाता था पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर पत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारी और क्रिया अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है भू राजस्व कुल उत्पादन का एक बटा चार भाग से एक बटा भाग हुआ करती थी आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी पहला है क्षेत्र जो कृषि करने योग्य भूमि होती थी दूसरा है वास्तु जो वास करने योग्य भूमि तीसरा है चारागाह भूमि जो पशुओं के चारा योग्य भूमि थी चौथा है सिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी और पांचवी भूमि है अपरहत ऐसी भूमि भी जंगली भूमि होती थी गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिरों को देखेंगे मंदिर और उनका स्थान पहला विष्णु मंदिर जो तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है दूसरा है शिव मंदिर जो भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश में अवस्थित है तीसरा है पार्वती मंदिर जो नैना कुठार मध्य प्रदेश में अवस्थित है अगला है दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है फिर एक शिव मंदिर है जो कि खो नागौद मध्य प्रदेश में है एक है गांव मंदिर वो भीतरगाँव में अवस्थित है अगला है लक्ष्मण मंदिर जो ईटों से निर्मित है कानपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र था <coughs> सॉरी गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञ वाल स्मृति में मिलता है जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन औष्णम स्मृति में मिलता है विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे पहली बार किसी के क्षति होने का प्रमाण 510 सौ ईस्वी में भानुगुप्त के गुप्त अभिलेख से मिलता है जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणका कहा जाता था वृद्ध वैश्याओं को कुटनी कहा जाता था गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे इन्होंने इसे राजधर्म बनाया विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का प्राच था गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है या बेतवा नदी के तट पर अवस्थित है अजंता में निर्मित कुल उनतीस गुफाओं में वर्तमान में केवल छः ही शेष हैं जिनमें गुफा संख्या सोलह और सत्रह ही गुप्तकालीन है इसमें गुफा संख्या सोलह में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है गुफा संख्या सत्रह के चित्र को चित्रशाला कहा गया है इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म जीवन महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्माण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है अब हम आगे बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या पच्चीस गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर बिंद पर्वत को काटकर बनाई गई है चंद्रगुप्त के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे चंद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धनवंतरी थे गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है इसे पांच भागों में बांटा गया है मित्र मित्रलाभ संधि विग्रह लब्ध प्रणाश अपा आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और शुद्ध सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान वराहमिहिर धनवंतरी ब्रह्मगुप्त आदि थे पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्तकाल में हुई इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है गुप्त काल की राजकीय भाषा प्राकृत थी गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था याज्ञवल्लक्य नारद कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्तकाल में ही हुई मंदिर बनाने की कला गुप्त गुप्तकाल में ही हुआ सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का युग कहा जाता है अगला अध्याय है हमारा पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उसमें मैत्रक मौखरी पुष्यभूति परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिला में स्थित वर्तमान थानसर थानेसर नामक स्थान थी प्रभाकरवर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तथा तो प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक एवं महाराज धiraj जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की प्रभाकरवर्धन की पति पत्नी यशोमती से दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी शासक गृहवर्मा के साथ हुआ मालवा के शासक देवगुप्त ने गृह की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया राज्यवर्धन ने देवगुप्त राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला परंतु देवगुप्त के मित्र गौर नरेश शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी नोट शशांक शशांकर्म का अनुयायी था इसने में जो अवस्थित मृत्यु के बाद में वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा हर्ष को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई चीनी यात्री हेंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हर्ष नोट है हेंसांग को यात्रियों का राजकुमार नीति का पंडित और वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था हर्ष छे सौ इकतालीस ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे और छह सौ तैतालीस एवं छतालीस में दो चीनी दूत उसके दरबार में आए आगे बढ़ेंगे अगले अध्याय पेज में प्रिस्ट में पृष्ठ जो है हर्ष ने कश्मीर के के शासक से बुद्ध दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए हर्ष के पूर्वज भगवान शिव एवं सूर्य के अनन्य उपासक थे प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था चीनी यात्री हेंसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया और पूर्ण बौद्ध बन गया हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था हर्ष के समय में प्रयाग में प्रयाग प्रति पांचवें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है स्वयं छठवें समारोह में सम्मिलित हुआ वान हर्ष के दरबारी कवि थे उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की प्रदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद नामक तीन संस्कृत ग्रंथों की रचना हर्ष ने की कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक ही हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे हर्ष के मंत्रिपरिषद में मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष कई साम्राज्य हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था नोट हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है भुक्ति का विभाजन जिलों में जिलों की संख्या की संख्या थी विषय इसका प्रधान विषयपति होता था विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम शासन का प्रधान ग्राम ग्रामा छपटलिक कहलाता था पुलिसकर्मियों को चाट और भाट कहा गया है दंड तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे अश्वसेना के अधिकारियों को वृद्धेश्वर पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था हर्ष क्षेत्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र या पंप का उल्लेख मिलता है हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए काफी प्रसिद्ध था हर्षचरित के अनुसार हर्ष के मंत्रिपरिषद भंडी इसे प्रधान सचिव होते थे सिग्नल जो प्रधान सेनापति होता था कुंतल अश्वसेना के प्रधान को कहा जाता था और स्कंदगुप्त गत सेना का प्रधान होता था अब हम आगे बढ़ेंगे अगले अध्याय पे जो है कीसवा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश सबसे पहले पल्लव वंश को देखें पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी था इसकी राजधानी कांची जो वर्तमान में तमिलनाडु के कांचीपुरम में है अवस्थित थी वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था कीर्ता जूनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे पल्लव वंश के प्रमुख शासक क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम नरसिंह वर्मन प्रथम महेंद्र वर्मन द्वितीय परमेश्वर वर्मन प्रथम नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदीवर्मन द्वितीय थे पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन हुआ मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी महेंद्र सुरु शुरू से ही जैन मतावलंबी था परंतु बाद में तमिल संत्य के प्रभाव से अपर के प्रभाव में आकर शैव बन गया अगले पृष्ठ पे चलते हैं सत्ताईसवें महाबलीपुरम के एकाश्मक मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण पल्लव शासक नरवि सिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था रथ मंदिरों की संख्या सात है रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता वतापी कोड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन दित्य था जिसने राज राजाओं शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधियां धारण की उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं की और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं दस कुमार चरित्र के लेखक नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे कांची में मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पैरुमल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार वर्मन द्वितीय के समकालीन थे आगे हम राष्ट्रकूटों को देखें राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दाती दुर्ग सात हुआ था। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन था इसकी राजधानी मनकीर या मानखेड़ वर्तमान मालखेड़ सोलापुर के निकट थी राजकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम ध्रुव गोविंद तृतीय अमोघवर कृष्ण तृतीय इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय इलोला के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था ध्रुव राजकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायु एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट द्वितीय को पराजित किया पल्लव पांडे केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की आदि पुराण के रचनाकार जीनसेन गणिता सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ के लेखक सत्याना अमोघ के दरबार में रहते थे अमोघ ने तुंग नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया इंद्र तृत्य ने के शासनकाल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भार भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक महान शासक कृष्ण तृतीय था इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे जिन्होंने शांतिपूर्ण पुराण की रचना की कल्याणी के चालुक तैलब्वितीय ने नौ सौ तिहत्तर ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ एलोरा के चौंतीस शैलकृत गुफाएं हैं जिसमें एक से बारह तक बौद्धों तेरह से उनतीस तक हिंदुओं और तीस से चौंतीस तक जैनियों की गुफाएं हैं एलोरा की गुफा संख्या पंद्रह में विष्णु के नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक संप्रदायों के साथ जैन धर्म के भी उपासक थे राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी अब आगे चलते हैं पृष्ठ संख्या अट्ठाइस में चालुक्य वंश कल्याणी कल्याणी की चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी और इनकी राजधानी मान्य थी चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक तैलप प्रथम तैलप द्वितीय विक्रमादित्य जयसिंह सोमेश्वर सोमेश्वर द्वितीय विक्रमादित्य षष्ठ सोमेश्वर तृतीय और तैलप तृतीय थे सोमेश्वर प्रथम ने मान्य से राजधानी हटाकर कल्याणी अर्थात कर्नाटक को बनाया इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठ था विलन एवं विज्ञान विज्ञानवेश्वर विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य छठे के दरबार में रहते थे मिताक्षरा जो कि हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्ल की स्मृति पर व्याख्या जो है नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी विक्रमांक देव चरित्र की रचना विल्हन ने की इसमें विक्रमादित्य छठे के जीवन पर प्रकाश डाला है चालुक्य वंश वतापी जयसिंह के वतापी के चालुक्य वंश की स्थापना जिसकी राजधानी वतापी बीजापुर के निकट थी इस वंश के प्रमुख शासक पुलकेशन प्रथम कीर्ति वर्मन पुलकेशन द्वितीय, विक्रमादित्य विनयादित्य एवं विजयादित्य इनमें सबसे प्रतापी पुलकेशन द्वित्य था माकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशन द्वित्य बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर पुलकेशन द्वित्य ने ही बनवाया था पुलकेशन दित्य ने हर्षवर्धन को हरवाकर परमेश्वर की उपाधि धारण की उसे दक्षिणा की उपाधि भी धारण की पल्लवी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशन दौ ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशन दित्य मारा गया इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वतापी कुंड की उपाधि धारण की एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशन द्वित्य था से था और इसके लेखक रवि कीर्ति थे अजंता के एक गुफा चित्र में भारतीय का स्वागत करते हुए की उपाधि धारण की विक्रमादित्य के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य का भतीजा पुलकेशी ने किया इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने से अवनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान की विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पटतकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर और उसकी दूसरी पत्नी त्रिलोक की देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन वर्मन था इसे इसके सामन दांति दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की एहोल के वो मंदिरों का शहर कहा जाता है आगे है चालुक्य वंश वैंगी वेंगी के चालुक्य के वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन था इसकी राजधानी वेंगी अर्थात आंध्र प्रदेश में थी इस वंश के प्रमुख शासक में जयसिंह प्रथम इंद्रवर्धन विष्णुवर्धन द्वितीय जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय थे इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विक्रमा विजयादित्य तृतीय था जिसका सेनापति जिसका सेनापति पंडरंग था अगला है हमारा चोल नवी शताब्दी में चोल पल्लवों के ध्वंसावशेषो पर स्थापित हुआ इस वंश के संस्थापक विजयालय थे जिसकी राजधानी तंजाय तंजौर या तंजावुर थे तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज था अगले पृष्ठ पे चलते हैं उन्तीस विजयालय ने नरकेशरी की उपाधि धारण की और निशुम्ब शूदनी देवी मंदिर का निर्माण कराया चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोडंद राम की उपाधि धारण की वंश के प्रमुख राजा परांतक प्रथम राज राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम राजेंद्र तक के में नरेश दित्य मारा गया राज राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया वहां के राजा माहिम पांच को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी राजराज राज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को राज्य चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुमंडी चोल मंडलम बनाया और पुलन रवा को इसकी राजधानी बनाई राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था इसने तंजौर में राज राजेश्वर का शिव मंदिर बनाया चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने कोण चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगे कोण चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया चोल काल की भूमि के प्रकार वेलन वगाई जो कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी का भूमि होती थी ब्रह्मादे जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि देवदान या तिनुन ठकनी जो कि मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि होती थी परिचंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि होती थी नोट गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था राजेंद्र द्वितीय ने प्रकृश्री की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेश्री की उपाधि धारण की चोल वंश का अंतिम शासक राजा राजेंद्र तृतीय था चोल एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मंदिर का पुनर्निउार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को पेरिंदनम एवं निम्न अधिकारियों को शिरुंदरम कहा जाता था संपूर्ण चोल साम्राज्य छह प्रांतों में विभक्त था प्रांत को मंडलम कहा जाता था मंडलम कोट्टम में कोट्टम नाडु में और नाडु में विभक्त था नाडु की स्थानीय भाषा नातुर एवं नगर की स्थानीय भाषा को नगरतार कहा गया है स्थानीय सभा को नगरतार कहा गया था बिल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद दवेलन तीन राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान अरीयर प्रधान जैसी उपाधियां दी गई उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे स्थानीय स्वशासन चोल संप्रशासन की मुख्य विशेषता थी उर सरल साधारण लोगों की समिति थी जिसका प्रधान होता था जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों का निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना सभा या महासभा या मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मणों बस्ती की सभा थी जिसके सदस्य को पेरुमक्कल कहा जाता था यह सभा वरियम नामक की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी व्यापारियों को सभा को नगरम कहते थे आगे चलते हैं अगला पृष्ठ है तीस चोल काल में भूमिकर उपज का एक बटा तीन भाग हुआ करता था गांव के कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भागी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था ब्राह्मणों को को दी गई कर मुक्त भूमि चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्म देव कहलाती थी चोल सेना का सबसे संगठित अंग पदाती सेना था चोल काल में कलंजु सोने के सिक्के थे तमिल कवियों में जयम गोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कि कलोतुंग प्रथम का राजकवि था उसकी रचना कलिंग तो पढ़नी थी कंबन और टुकुट्टनम और पुंगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है पंप पोण और रण कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं पर्सी ब्राउन ने तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वस्तुकला का निकष माना है चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है चोल काश्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट काश्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है सैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे अब हम उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता की क्या योग्यता है उसको देखते हैं पहला है सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक व्यक्ति को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जो जहां से भू राजस्व वसूला जाता है दूसरा उसके पास अपना घर होना चाहिए उसकी उम्र सीमा पैतीस से सत्तर के बीच होनी चाहिए उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए उसे प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए यदि कोई पिछले तीन सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता था आगे बढ़ेंगे चोल काल दसवीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावे पत्तन था बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित होता था तनियर कहलाता था उत्तर मेरूर शिलालेख में जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के काल से संबंधित है चोलों की राजधानी काल क्रम के अनुसार गंगेकोण चोलपुरम और काची थी चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था चोल काल में विशाल व्यापारियों के समूह वलंजियर नाना दैसी और एवं ग्रामम कहलाते थे विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नैनार कहलाते थे। <coughs> सॉरी अब हम आगे बढ़ते हैं यादव वंश को देखेंगे देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की इसकी राजधानी देवगिरी थी इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहन जो कि 1210 से 1246 सो ईस्वी तक शासक रहा था इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था जिसे अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफुर के सामने आत्मसमर्पण किया अगला वंश है समुद्र के की स्थापना ने की थी। वंच, यादव वंच की एक शाखा थी वेल्लुर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने ग्यारह ईस्वी में किया होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था जिसे मलिक काफुर ने हराया वंश की राजधानी द्वार समुद्र यानी आधुनिक हल, था। अब आगे चलते हैं पृष्ठ संख्या इकतीस जिसमें कदम वंश कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मा ने की कदम वंश की राजधानी वनवासी थी अगला है गंगवंश गंगवंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था अभिलेखों के अनुसार गंगवंश के प्रथम शासक कोंकणिश वर्मा थे गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुवलाल कोलार थी जो बाद में तलकाड हो गई थी दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था अगला है काकतीय वंश काकतीय वंश का संस्थापक बिट्टा प्रथम था जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी अमकोंडम थी इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी जिसने रुद्रदेव महाराज के नाम ग्रहण किया जिसने 35 वर्षों तक शासन किया गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र जो कि बारह से तेरह ईस्वी तक था रहा अब हमारा जो अंतिम अध्याय है वो है सीमावर्ती राजवंशों का बाईसवा। पहला है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 सौ ईस्वी था जिसकी राजधानी मुंगेर थी गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था जिसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की वंश के प्रमुख शासक धर्मपाल देवपाल नारायणपाल महीपाल और नयपाल थे पालवंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पालवंश गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूटवंश के बीच हुआ जिसमें पालवंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ ग्यारहवीं सदी के गुजराती कवि सोठल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है उदानपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था जावा के सैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देव पाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए पांच गांव दान में दिए थे गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विधा का विकास पाल शासकों के समय में हुआ पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अगला है सेन वंश सेन वंश का संस्थापक सावंत सेन ने राड में की थी इसकी राजधानी नादिया अर्थात लखनऊ थी सेन वंश के प्रमुख शासक में विजय सेन बललाल सेन और लक्ष्मण सेन थे सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजयसेन था जो शैव धर्म का अनुयायी था दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन सेन शासक ने की थी अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था लक्ष्मण सेन की राजसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे हलायुद्ध लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युमनेश्वर मंदिर अर्थात शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की अब हम आगे बढ़ेंगे पृष्ठ संख्या बत्तीस पर सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था अगला है कश्मीर का राजवंश कश्मीर पर शासन करने वाले शासक शासक वंश का कालक्रम से इस प्रकार है कारकोट वंश उत्पल वंश और लोहार वंश छह सौ सताईस ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश यानी हिंदू वंश की स्थापना की हिंद ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्ता पिंड था कश्मीर की मारतंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्ता पिंड के द्वारा करवाया गया था कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी अवंती वर्मन का अभियंता शुय ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया नौ सौ वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा तो कई भाषाओं का ज्ञाता था कलहन हर्ष का आश्रित कवि था जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने ग्यारह सौ में से 1155 सौ पचपन ईस्वी तक शासन किया जय सिंह के शासन के साथ ही कलहन की रास्तरंगनी का विवरण समाप्त हो जाता है अगला है कामरूप का वर्मन वंश चौथी शताब्दी के मध्य कामरूप के वर्मन वंश का उदय हुआ इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्य वर्मन था इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी कालांतर में गुर्जर प्रतिहार वंश का, का संस्थापक था द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई वह विष्णु भक्त था उसने विष्णु के सम्मान में आदिवरा की उपाधि धारण की राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे इस वंश का अंतिम शासक यशपाल हुआ। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश ने शताब्दी के मध्य की। अगला वंश है राजपूत गढ़वाल राठौर राजवंश गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव था इसकी राजधानी वाराणसी काशी थी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था गोविंद चंद की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में जीन विहार बनवाई पृथ्वीराज तय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था जिसे गौरी ने ग्यारह सौ चौरानवे ईस्वी में, में चंदावर के युद्ध में मार डाला था आगे बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या तैतीस पर चौहान या चौहान वंश चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना के अल से अपनी राजधानी बनाई इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव हुआ जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ का कवि था इसने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था पृथ्वीराज अतित्व का इस वर्ष का अंतिम शासक था चंद्रवरदाई पृथ्वीराज स्तित्व का राजकवि था जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है रथम्बौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तत्व ने बनवाया था तराइन का प्रथम युद्ध ग्यारह सौ इक्यानवे में हुआ जिसमें पृथ्वीराज पृथ्वीराजित्व की विजय एवं गौरी की हार हुई तराइन का द्वितीय ग्यारह सौ बानवे में हुआ जिसमें गौरी की विजय और पृथ्वीराज पृथ्वीराजित्व की हार हुई अगला वंश है परमार वंश परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था इसकी राजधानी धारा नगरी थी प्राचीन राजनी राजनी उज्जैन थी परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था राजा भोज ने भोपाल में के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतन थे राजा भोज ने चिकित्सा गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है नवशाह के रचयिता पद्मगुप्त दश रूपक के चरित्र धनंजय धनिक हलायु एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी परमार वंश के बाद तोमर वंश का उसके बाद चौहान वंश का और अंततः बारह सौ में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नषरद खां और उल खान ने मालवा पर अधिकार कर लिया था अगला जो हमारा राजवंश है वो है चंदेल वंश प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था चंदेल वंश के संस्थापक नुन्नक नन्नुक 831 सौ में हुए इसकी राजधानी खजुराहो थी प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खुजराहो में स्थानांतरित की थी चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की जिसे उसने खुजराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की धंग ने जीननाथ विश्वनाथ और बैजनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया कन्दरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा नौ ईस्वी में किया गया आगे।, आगे चलते हैं अंतिम पृष्ठ है जो कि है चौंतीस धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी क्योंकि उसने महमूद के आक्रमणों का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था विद्याधर ही अकेला एक ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया चंदेल शासक कीर्ति वर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी उसने महोबा के समीप कीर्ति सामक कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया अल्लाह उदल नामक दो सेना नायक देव के दरबार में रहते थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गवाई थी चंदेल वंश का अंतिम शासक परमादी देव ने १२०२ में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी <coughs> सॉरी अगला वंश है सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य के शासन सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम था इसकी राजधानी थी मूलराज प्रथम प्रथम का था भीम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया भीम प्रथम के सामंत विमन ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था माउंट आबू पर्वत जो राजस्थान में है पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गर्जारोही मूर्तियों की स्थापना की मोडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मत था जैन धर्म का अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है सोलंकी वंश का अंतिम शासक था <coughs> भीम ने ने के एक सामंत लवण प्रसाद गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था अगला है कलचुरी चेदी वंश कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल था जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगे देव था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त तो हो जाने के पश्चात महान शासक कर्णदेव था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंग की उपाधि धारण की प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी राजवंश दरबार में रहते थे और अंतिम जो है हमारा वंश वो है सिसोदिया वंश सिसोदिया वंश के संस्था का संस्थापक सॉरी सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभ ने चित्तौड़ में करवाया खतौली का युद्ध 1518 सौ ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ इसी के साथ हमारा यह जो आज का विषय था प्राचीन भारतीय इतिहास यहीं समाप्त होता है आने वाले वीडियोस में मैं मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास का भी वीडियो बहुत जल्द डोट करूंगा। तब तक आप सभी लोग अच्छे से रहें और पढ़ते रहें इसी के साथ आज के लिए यही धन्यवाद